मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कई मामले हम देखते हुए आए हैं, और शायद एक समय ऐसा रहा होगा जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो रैगिंग का दौर तो उस समय भी रहा होगा। रैगिंग एक ऐसा ही बड़ा मामला उदयपुर का सामने आया है, उदयपुर के डूंगरपुर का। यहाँ डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ रैगिंग हुई। रैगिंग भी ऐसी हुई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल छात्र से 300 उठक बैठक लगवाई गई, जिससे उसकी किडनी और लिवर पर असर पड़ा। इस कारण छात्र ने उसको जो है डायलिसिस करवानी पड़ी। हालांकि अब छात्र की तबीयत ठीक है। वहीं मामले में मेडिकल कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी ने भी जांच में रैगिंग की पुष्टि की है, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए सेकेंड ईयर के 7 स्टूडेंट्स को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है। दिखाते हैं आपको। एक्चुअली वी हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम एनएमसी वेबसाइट ऑन 26/20/24 5:30, एंड आफ्टर रिसीविंग विद इन 24 आवर्स वी फॉर्म्ड द कमिटी एंड वी इन्वेस्टिगेट। सदर थाना अधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के प्रिंसिपल एस बाला ने की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, और रैगिंग की ये पूरी घटना 1.5 महीने पहले 15 मई की बताई जा रही है। इसमें ये भी बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट प्रथम व्यास के साथ रैगिंग हुई। हालांकि ये पूरा मामला मेडिकल कॉलेज के एंटी रैगिंग कमेटी के सामने आया, जिस पर एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से जाँच में भी रैगिंग की जो है पुष्टि हुई। इस पर कॉलेज प्रिंसिपल की ओर से आरोपी सभी 7 स्टूडेंट्स को कॉलेज से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी 7 स्टूडेंट्स के खिलाफ रैगिंग का केस दर्ज कर लिया है। सदर थाना अधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल जो है अभी फिलहाल जारी है। क्षेत्र में स्थित डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष छात्र के साथ सीनियर स्टूडेंट द्वारा रैगिंग की घटना करने का के बारे में प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। अभी नामजद 7 स्टूडेंट बताए। प्रथम व्यास के पिता दीपेंद्र व्यास ने बताया कि उसके साथ ही फर्स्ट ईयर के 50 से ज्यादा स्टूडेंट थे जिनके साथ रैगिंग हुई है। सेकंड ईयर के 40 सीनियर स्टूडेंट्स ने सभी जूनियर स्टूडेंट्स से उठक बैठक करवाई, जिससे उसके साथ ही 3 से 4 दूसरे स्टूडेंट्स की तबीयत भी बिगड़ गई। इसमें से आशीष बेनीवाल को भी भर्ती करवाया गया था, लेकिन प्रथम व्यास ने आरोपी स्टूडेंट के खिलाफ 20 जून को एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट दी, जिस पर रैगिंग कमेटी ने तुरंत एक्शन लेते हुए जाँच की। वही मामले में केस दर्ज करवाया गया है। 15 मई 2024 के समय करीबन 4:30-5 बजे के आसपास की घटना है। कॉलेज से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी सघन पहाड़ियों में जब 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी थी, और उस गर्मी में कॉलेज के कुछ बच्चों द्वारा एक अमानवीय कृत्य किया गया। जो बनने तो जा रहे हैं डॉक्टर, लेकिन उनको इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में भी खड़ा रखना, यानी एक तरह का अमानवीय कृत्य है। लेकिन फिर भी इन्होंने और ऐसा अमानवीय कृत्य किया और बच्चे से 150 उठक बैठक लगवाई, और कुछ बच्चों से 500 और 800 तक लगवाई, यहाँ तक सुनने में आ रहा है। उस वजह से कुछ बच्चे तो वैसे ही गायब हो गए, जिनको 108 द्वारा हॉस्पिटल में भेजा गया। और मेरा बच्चा जो था उसको 350 उठक बैठक लगवाने के कारण से उसके मसल्स टूट गए, और मसल्स टूटने के कारण क्या है, किडनी और लीवर में इसको इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर के कहने से मेरे को यहाँ से उसको चाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिट करना पड़ा। और वहाँ करीबन 9 से 10 दिन ट्रीटमेंट चली, और ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी इतनी डिप्रेस होने के कारण वो अभी भी अपने आप काम करने में सक्षम नहीं है। उसको लाने और ले जाने के लिए मुझे जाना पड़ता था, और मेरी ऑप्शन में कोई और उसको लेकर आता और जाता था। और हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस को कर दी है और एंटी रैगिंग कमेटी को भी दी गई है, साथ साथ में कलेक्टर साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है।